बिल्कुल। चलिए इस बीच अब बात करते हैं HSIL के नंबर्स के बारे में। बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर RB काबरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर काबरा, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड नंबर्स की बात करें तो इनफैक्ट जिस तरह का एनवायरनमेंट इस समय है, अच्छा खासा हमने देखा कि स्पॉट मुनाफे में YOY देखने को मिला था, करीब 35% ये बढ़ा था एंड इज क्लोज टू 40 करोड़। और जिस तरह का स्पॉट हमने देखा है, या फिर अगर हम टॉप लाइन की भी बात करें, जिस तरह का रुझान देखने को मिला है, बिक्री गिरने के बावजूद सिंस द बॉटम लाइन वॉज हायर, ये ट्रेंड आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? मच फॉर हैविंग मी ओवर। एज यू राइटली सेड, अभी हमारी ये जो तिमाही 31 मार्च को खत्म हुई है वो, और पूरा साल की परफॉर्मेंस बॉटम लाइन के हिसाब से कंपनी की बहुत अच्छी रही है। नंबर जैसे आपने देखे होंगे कि सेल ग्रोथ सेल है मोर और लेस 2000 करोड़ रुपीज के बराबर हो गई है। एंड जो पैट है वो हमारा करीब 85% बढ़ के लास्ट ईयर से 105 करोड़ रुपया हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 152 करोड़ रुपया हो गया है, जो पिछले साल से 56% ज्यादा है। और एबिडा मोर और लेस अराउंड 350 करोड़, टू बी प्रसाइज 345 करोड़ है, जो लास्ट ईयर से 27% ज्यादा है। एंड आपने सही कहा है कि ये सब जो सेल्स ग्रोथ हमारी इस क्वार्टर में रही है वो करीब रही है 6% फॉर द बिल्डिंग प्रोडक्ट। एंड पैकेजिंग मोर और लेस फ्लैट है, जो पब्लिश नंबर है उसमें लास्ट ईयर के इस क्वार्टर के नंबर कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर हमने हमारा जो गार्डन पॉलीमर पेट बोतल का बिजनेस था वो कंपनी में मर्ज किया था, तो पूरे जो कि मर्जर 31 मार्च को हुआ था, कोर्ट ऑर्डर मार्च में आया था, तो पूरे साल के जो रेवेन्यू था उस बिजनेस का वो 31 मार्च के नंबर्स में जुड़ा हुआ था, तो कंपेरेबल नहीं है। बट दोनों बिजनेस में करीब पूरे साल का आप देखेंगे तो 6% का ग्रोथ रहा है। बिल्डिंग प्रोडक्ट का ये ग्रोथ करीब करीब 10% है। एंड मैं 10% इसलिए बोल रहा हूँ, रिजल्ट में 6% है कि एक प्रोडक्ट लाइन हमने बंद कर दिया था लास्ट ईयर, मैंने बताया भी था पिछले हमारी कॉल्स में, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट लाइन जो 3-4% कंट्रीब्यूट करती थी वो प्रोडक्ट लाइन अब नहीं है। सो 10% ग्रोथ बिल्डिंग प्रोडक्ट में है और 6% पैकेजिंग प्रोडक्ट में है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे तो ये लार्जली, लेकिन मार्जिन इम्प्रूवमेंट, आई वुड जस्ट लाइक टू कम इन, जो नेक्स्ट क्वार्टर है, आई मीन जो ऑन गोइंग क्वार्टर है उसमें और इसके बाद वाला जो क्वार्टर है, इसमें एबिटा का परफॉर्मेंस आप किस तरह का देख रहे हैं और साथ ही बॉटम लाइन? ये जो हमारे क्वार्टर फोर के जो मार्जिन से, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट आप ग्लास बिजनेस में देख रहे हैं वो हमारा लार्जली हुआ है फ्यूल सब्स्टिट्यूशन से। हमने एक जो हमारा फ्यूल फर्नेस में यूज करते थे वो चीपर फ्यूल से सब्स्टिट्यूट किया है, और क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में ये इम्प्रूवमेंट विजिबल था। एंड चूंकि अभी कन्वर्जन परमानेंट नेचर का है, सो दीज एबिटा लेवल्स इन बोथ दी बिजनेसेस आर सस्टेनेबल एंड विल बी मेंटेन्ड गोइंग फॉरवर्ड, नॉट ओनली फॉर क्वार्टर्स बट ईयर टू कम। जी जी सर, आपने जो रिसेंटली QIP प्रोसीड से जो रेस करे हैं करीबन 250 करोड़ रुपए, तो दैट इज सक्सेसफुली यूज फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन रीपेमेंट, और साथ ही फर्दर आपके कुछ प्लान हैं फंड रेस करने के? मैडम अभी हमने जो यू आर राइटली से 250 करोड़ रुपए हमने लोन रीपेमेंट के लिए रेज किया था, एंड दैट हैज बीन रीपेड, द मनी केम अराउंड मिडिल ऑफ मार्च एंड वो हमने पे कर दिया है। साल में हमने 105 करोड़ रुपया करीब डेट और रीपेमेंट किया है आउट ऑफ आवर ओन एक्रूअल्स, बिकॉज कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन। सो इस साल में करीब करीब 350 करोड़ रुपए का हमने लोन रीपेमेंट किया है, एंड जो लोन 1000 करोड़ रुपए से ऊपर थे 31 दिसंबर को, वो इज नाउ अराउंड 700 करोड़ रुपीज। एंड गोइंग फॉरवर्ड इससे हमारा करीब करीब साल का 25 करोड़ रुपया इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, ये बिकॉज हमारा एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 8.5-9% है, तो सीधा सीधा हम 250 से 300 करोड़ रुपए का रीपेमेंट का देखते हैं, तो 25 करोड़ रुपया पॉजिटिव इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन का हमारे रिजल्ट्स पे आएगा इन दिस ईयर। जी 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 चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए और जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो ये आपने सुना HSIL का मैनेजमेंट नंबर्स पे बातचीत करते हुए, जिन्होंने कहा कि उनका पिछली लास्ट ईयर में ग्रोथ काफी अच्छा रहा और फर्दर क्वार्टर्स में भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख सकता है। कुछ और कॉलर से बातचीत जल्द करेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका बाजार।